हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि दोस्तों आपको एक प्रॉब्लम आती होगी अगर आप सोशल मीडिया पे होंगे, किसी से व्हाट्सएप पे चैटिंग करते होंगे या किसी यानी वो फेसबुक या कहीं भी आप ट्विटर कहीं भी कोई भी चीज़ का अगर यूज़ करते हैं तो आपको एक समस्या आती होगी। वो समस्या क्या है तो आपको इंग्लिश में जो मैसेज आता है उसका रिप्लाई करने नहीं आता है। तो वो रिप्लाई आप कैसे कर सकते हैं किसी को, तो रिप्लाई करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है, आपको इंग्लिश नहीं आती है तब भी हिंदी से आप काम चला सकते हो, वो भी इंग्लिश में। तो कैसे करना है तो वो सभी चीज़ की जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो रेड बटन है उसको क्लिक कीजिएगा, उसका जो बेल आइकन आता है ऑल पे क्लिक करके उसको चूज कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको लास्ट में अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना जरूर नहीं भूलिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है तो मैं आपको बताता हूँ। जो एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा गूगल ट्रांसलेट, ठीक है, वो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। गूगल ट्रांसलेट करके एक ऐप है, उसको आप इंस्टॉल कीजिए। उसको इंस्टॉल करने के बाद देखिए उसको हमको यहाँ पे उस पर क्लिक करना है। तो चलिए हम गूगल ट्रांसलेट को हम क्लिक कर दिए हैं, उसका जो ओपन हो गया है। उसके बाद हमको यहाँ पे क्या करना है तो देखिए यहाँ पे जो चूज करना है, यहाँ पे एक तरफ दिख रहा होगा आपको हिंदी और एक तरफ दिख रहा होगा आपको इंग्लिश। तो देखिए हिंदी यहाँ पे दिख रहा है और इंग्लिश यहाँ पे दिख रहा है। कि ऐसे आप अगर न्यू अगर यूजर होते हैं गूगल ट्रांसलेट का, आपको इस तरह से ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पे मिलेगा इस तरह से दूसरा लैंग्वेज रहेगा, यहाँ पे दूसरा लैंग्वेज, तो आप इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सेलेक्ट करने के लिए आप इस पर क्लिक कीजिएगा, हिंदी पर क्लिक कीजिएगा। तो इस तरह से बहुत सारे जो देखिए यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेज आ रहा है, जिस लैंग्वेज में आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं उस लैंग्वेज आप लिखें तो आप तो लिखिएगा यहाँ पे हिंदी में। जैसे मैं क्या करता हूँ तो आप लिखिएगा MAI, के क्या का लिखेगा KYA, इस तरह से आप लिखिएगा। तो उस लिए हमको यहाँ पे हिंदी चूज करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद जो इंग्लिश है इसमें इंग्लिश ऑटोमेटिक चूज हो जाएगा, आपको जिस लैंग्वेज में जो भाषा चाहिए उस लैंग्वेज को यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है तो देखिए टैप टू इंटर टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या लिखना है, अगर कोई आपसे पूछता है कि आपका नाम क्या है तो उधर से आएगा व्हाट इज़ योर नेम, तो आप यहाँ पे क्या लिखेगा, मेरा नाम जो आपका नाम है वो लिख लिया। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ संदीप, तो मेरा नाम संदीप है। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि मेरा नाम संदीप है। देखिए यहाँ पे लिख दिए मेरा नाम संदीप है। तो देखिए इसमें ऑटोमेटिक लिख लिया गया है यहाँ पे, देखिए माई नेम इज संदीप, ठीक। तो आपको इस तरह से आप यहाँ पे क्या करना है, इसको यहाँ पे इस तरह से करना है और इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी का यहाँ पे देखिए मैसेज यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है कॉपी, तो इसको कॉपी कर लिए यहाँ पे। और जिसको आपको भेजना है तो चलिए हम यहाँ पे व्हाट्सएप में एक नंबर खोले हुए हैं, हमको इस पर भेजना है, व्हाट्सएप एक खोले हुए हैं, तो इस व्हाट्सएप पे हमको लिखना है, ठीक है। तो जो यहाँ पे टाइप और मैसेज लिखा हुआ है आपको दिख रहा होगा टाइप और मैसेज, इस पर आप क्लिक कीजिए टाइप और मैसेज पे, ठीक है। तो टाइप और मैसेज पे क्या कीजिएगा, इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा उसके बाद इस पर क्लिक किए हुए रहिएगा, यहाँ पे आपको पेस्ट का ऑप्शन दिख रहा है तो पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट कीजिएगा, यहाँ पे लिख रहा है माई नेम इज संदीप, तो यहाँ पे संदीप करके इसको भेज दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर उधर से कोई पूछा जाता है आपसे पूछता है कि आप कहाँ रहते हैं, क्या पूछा जाएगा उधर से आपसे, जो क्वेश्चन आएगा इस तरह से क्वेश्चन आएगा, देखिए यहाँ पे आप लिखिए यहाँ पे आप कहाँ रहते हैं, आप इधर से मैसेज कीजिए उनको कि आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं, इस तरह से उनको मैसेज कीजिए। तो देखिए इनको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है तो आपको लिखना है वेयर डू यू लिव, ठीक। आपको उनको लिखे वेयर डू यू लिव, तो आपको इसको फिर से कॉपी कर लेना है। और कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, कॉपी कीजिए इसको, यहाँ पे कॉपी का चीज़ है, यहाँ पे कॉपी करके और उनको व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। कॉपी हो गया, कॉपी होने के बाद फिर उनको व्हाट्सएप पे जाइए और उनको यहाँ पे व्हाट्सएप पे लिखिए कि आप कहाँ रहते हैं। इनको यानी क्लिक किए हुए रहिएगा तो यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो पेस्ट पे जैसे क्लिक कीजिए तो यहाँ देखिए वेयर डू यू लिव, तो यहाँ पे इस तरह से फिर ऑप्शन कीजिए। उधर से अगर फिर कुछ और आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो उनका जवाब अपने हिंदी में लिखिएगा, उसका जो इंग्लिश आएगा उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है बहुत लोगों का था, जो कि अभी न्यू यूज़र है या न्यू यूज़र नहीं है, जिनको अगर इंग्लिश नहीं भी आती है, पुराने यूज़र है लेकिन इंग्लिश नहीं आती है और इस तरह से जो समस्या है उनको पास आती है। अगर कोई उनसे बात करना चाहती है, या तो लड़की हो या कोई दोस्त हो जो उनसे इंग्लिश में बात करना चाहता है, ठीक है, अगर उनको कुछ नहीं आता है तो किस तरह से उनसे बात करें और किस तरह से उनसे यानी जो बातचीत करना स्टार्ट करें। तो इसलिए मैं आपको चैटिंग करने का जो तरीका था वो मैं आपको अच्छे तरह से बता दिया हूँ कि आप इंग्लिश में उनसे कैसे बात कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ऑल पे जाकर क्लिक कर दीजिएगा। और उसके बाद वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अगले जो अच्छे वीडियो के साथ और अगले टेक्निकल वीडियो के साथ। तो अभी के लिए बस इतना ही।